अरे क्या बोलते फिर भाई लोग, मैं फिर से आ गया ना आज अपना थर्ड ट्यूटोरियल है। और आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं सिखाने वाला हूँ, बट लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ तुम लोग को, जिससे तुम लोग अपनी बॉडी को फुल कंडीशन में रख सकते हैं। लॉकडाउन में या कुछ है भी नहीं अपने पास करने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग बनता है वेट गेन कर रहे घर पर बैठे बैठे, एक्टिविटीज़ नहीं है, तो बनता है तुम लोग के ना ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। तो क्या अभी ज़्यादा टाइम खुद ही नहीं करते, फट 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 चालू करते क्या, तो बनता है हम लोग को पूरे बॉडी का ध्यान रखने का, समझ रहे तुम लोग, मतलब हाथ एकदम सही रहना चाहिए, पैर एकदम सही रहना चाहिए, कोर एकदम सही रहना चाहिए, ज़्यादा पेट बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। मैं तुम लोगों को 5 से 6 एक्सरसाइज बताऊँगा पर्टिकुलरली, ताकि तुम लोग का बॉडी एकदम मेंटेन रहे, तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो तुम लोग का थोड़ा तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1 इज अ हैंड स्टैंड। सो अगर तुम लोग ने पहले हैंड स्टैंड किए तो तुम लोग ट्राई करना कि बॉल का सपोर्ट ना लो। अगर कोई कोई लोग जिसने जो फर्स्ट टाइम हैंड स्टैंड ट्राई कर रहे हैं, तो मेक श्योर तुम लोग बॉल का सपोर्ट देना, ओके। पहली चीज़ हम लोग करने वाले हैंड स्टैंड, ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकेंड, या फिर अगर तुम लोग को हैबिट है तो तुम लोग 20 सेकेंड अलग कर सकते हो, ठीक है। सो 20 सेकेंड हैंड स्टैंड करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का शोल्डर हाथ में स्ट्रेंथ दे और हम लोग का बॉडी बैलेंस्ड रहे। सो हैंड स्टैंड 15 सेकेंड्स, लेट्स गो। तुम लोग उसको अगर वॉल के साथ करना है तो वॉल के साथ कर सकते हो, बिना वॉल के करना है तो बिना वॉल के कर सकते हो ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। 25 to 30 के बीच में आप लोग जितना पुशअप्स कर सकते हो, यू कैन डू इट, सो दैट योर हैंड्स योर शोल्डर इज वेरी गुड इन शेप, ओके। सो लेट्स डू इट। सो पुशअप करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मेरे बाइसेप्स और मेरा शोल्डर काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी ये थर्ड एक्सरसाइज होगा और इसका नाम है क्रॉस ओवर्स। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम लोग के नीज के लिए, तुम लोग के थाइस के लिए, तुम लोग के बेसिकली पूरे लेग के लिए। थर्ड वन इज क्रॉस ओवर्स। अभी मैं तुम लोग को करके बताता हूँ कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ओके, वेरी ईजी, लेट्स गो। सो क्रॉस ओवर्स करने के लिए हम लोग को फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम लोग नॉर्मली खड़े रहें, ओके। पर ऑलरेडी खड़ा हो, आप लोग भी खड़े हो जाओ, पर पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ओके। नाउ फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज तुम लोग का पीछे वाला पैर है, ठीक है, जो पैर तुम लोग के पीछे वो पीछे की तरफ से आगे आएगा, ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप। सो 1 2 थर्ड स्टेप इज अ क्रॉस ओवर, ठीक है। जो करते समय तुम लोग को तुम लोग का वेट शिफ्ट करने का है, एक हल्का सा पंच यूज करने का है, ओके, और क्रॉस ओवर करने का है। सो हम लोग सेकेंड स्टेप पे, ठीक है, अभी हम लोग का राइट पैर क्रॉस ओवर करेगा हम लोग के लेफ्ट पैर को, और साथ ही साथ तुम लोग का वेट शिफ्ट होगा और तुम लोग पंच यूज करेंगे ताकि इजी पड़े। अभी हम लोग क्रॉस ओवर करके यहाँ पे आ गए, अभी हम लोग को एक सिटअप करना है वन साइड, ओके। जो हम लोग का पैर क्रॉस ओवर होता है वो पैर पे एक सिटअप करना है ऐसे, ओके, सिटअप ऐसे, ओके। सो अभी ये पांचों स्टेप को कंबाइन कर लो। सेम ऑपोजिट साइड पे करना है, सो 1 इज ऑलरेडी हियर, 2 क्रॉस ओवर सिट अप। सो इट्स वेरी इजी, तुम्हारा पैर बहुत ज्यादा मस्त हो जाएगा। सो अभी यही पांचों स्टेप का रेप करते हैं हम लोग, ओके। सो 5 रेप एक साइड पे करेंगे, सो 5 रेप राइट में, 5 रेप लेफ्ट में, ओके, कुल मिला के 10 बस है भाई, समझ रहे तुम लोग। चलो करते हैं फिर इसको। सही है यार, मतलब पैर में थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सो ये था थर्ड एक्सरसाइज, अभी फोर्थ एक्सरसाइज। तो फोर्थ एक्सरसाइज का नाम है रशियन स्टेप, ओके। सो ये रशिया से आया बंडा, जैसे नाम है इसका रशियन स्टेप, रशिया का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है,
ओके सो वो लोग डांस फॉर्म में ये स्टेप यूज़ करते हैं बट लेकिन मंडा है एक्चुअली मैं ये पैर के लिए बहुत ज़्यादा सही है और बी बॉय लोग इसको फुटवर्क में भी यूज़ करते हैं मतलब फंडामेंटल है तुम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसको अपने बॉडी को कंडीशन करने के लिए ओके सो ये कुछ ऐसे दिखता है इट्स वेरी नाइस फॉर योर लेग्स हम लोग फुटवर्क के जीरो पोजिशन पे रहते हैं ठीक है अभी हम लोग बेस पोजिशन इज दिस और अभी हम लोग को वेट को शिफ्ट करना है और साथ ही साथ हम लोग को हॉप्स करने हैं ठीक है ये भी तुम लोग के पूरे नी थाइस काफ देन पूरे लेग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ओके तो ये ऐसे करते हैं सो फर्स्टली दिस द बेस पोजिशन अभी हम लोग को वेट शिफ्ट करना है एक पैर से दूसरे पैर पर सो वन लोग यहाँ पे आ गए फिर पीछे आके साइमल्टेनियसली दूसरे पैर को खोलना है फिर पीछे लेके दूसरे पैर को खोलना है पीछे लेके दूसरे पैर को खोलना है ओके तो अगर तुम लोग स्लो करते हो तुम लोग ऐसे कर सकते हो ओके अगर तुम लोग फास्ट करना है यही चीज़ को तो एक बाउंस ऐड करो सो इट्स लाइक दिस ओके सो इट्स वेरी नाइस लाइक मज़ा आती है भाई करने के लिए तो तुम लोग के लेग ऑलरेडी थोड़े स्ट्रांग है तो तुम लोग 20 कर सकते हैं या 25 कर सकते हैं अगर तुम लोग के लेग थोड़े वीक है तो आई थिंक 10 से 15 काफ़ी है तुम लोगों के लिए सो स्टार्ट करो स्लो अगर तुम लोग एकदम बिगिनर हो तो तुम लोग ये वाला स्टेप करो ये ओके अगर तुम लोग को आता है अच्छे से तो तुम लोग बिना मतलब स्पीड में करो थोड़ा सा ओके अगर तुम लोग और ज़्यादा अच्छे हो तुम लोग ऑलरेडी अच्छा आता है तो तुम लोग ट्राई करो ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट पैर को टच करने के लिए ओके जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो ये दिन में एटलीस्ट 100 करता हूँ मतलब 50-50 करके 100 करता हूँ तो ये चौथा एक्सरसाइज था ठीक है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जो फोकस करेंगे वो है हम लोग का कोर ठीक है यू नो दिस एंड योर कोर ओके अगर तुम लोग के घर पे ऐसी कोई एक जगह है जिसको तुम लोग ऐसा पकड़ के एक्सरसाइज कर सकते हो ये तो तुम लोग ट्राई करो सो अभी हम लोग को करना क्या है ओके सो बेसिकली हम लोग को हैंग कर रहे हैं हम लोग के बॉडी को एल पोजिशन पे सो एल पोजिशन क्या है तो मैं ऐसा बैठा हूँ ये एक एल है राइट ना अभी मेरे को एक हाथ यहाँ पकड़ना है एक हाथ को जमीन से पुश करना है ओके यहाँ से पुल करना है यहाँ से पुश करना है और पैर को सेम स्ट्रेट रखना है ओके सो लाइक दिस ओके होल्ड करना है इसको ओके फिर उसके अंदर से ही यू हैव टू गो बैक यू हैव टू कम इन गो बैक यू नो सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू योर शोल्डर एंड योर कोर तुम लोगों को 5 रेप करना है दोनों साइड पे ओके सो इन एंड आउट 1 इन एंड आउट 2 ऐसे करके 5 करना है और देन 5 हो गया सो हाथ को स्विच करना है यू नो सो दिस वाज 5 तुम लोग के बेड को भी पकड़ के कर सकते हो यू नो अगर तुम्हारे घर पे बेड है तो तुम लोग ये पकड़ के कर सकते हो नाउ मूविंग ऑन टू द अदर साइड यू नो सो यू कैन डू 5 रेप्स ऑफ दिस सो दैट इट हेल्प्स योर अपर बॉडी टू बी लाइक वेरी नाइस मेंटेन सो दिस वॉज द 5th एक्सरसाइज जब भी तुम लोग ये एक्सरसाइज करते हो राइट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम लोग का ब्रीदिंग शुड मतलब तुम लोग को सांस रोक के नहीं करना है ये चीज़ तुम लोग जितना सांस लेते रहो स्लोली ओके एंड यस जब भी तुम लोग एल पोजिशन मेंटेन करते हो तो तुम लोग को मेक श्योर करना है कि तुम लोग का हाथ तुम लोग का रिस्ट जो जगह पे है ठीक है दैट इज लाइक यू नो स्ट्रेट टू योर शोल्डर लेवल क्योंकि ऐसा नहीं रखना है स्ट्रेट रखना है ताकि तुम लोग बॉडी वेट शिफ्ट कर पाओ ओके सो आगे बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे ओके सो लास्ट एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक तो प्लैंक कैसे करते हैं जब तुम लोग प्लैंक करते हो तभी तुम लोग को एल्बो को नीचे रखना है शोल्डर लेवल पे मैच करते हुए
सेम दोनों एल्बोज को नीचे ना तुम लोग के बॉडी को ओपन करना है ऐसे. ओके सो दिस इज कॉल्ड प्लैंक. अभी तुम लोग इसको 60 या फिर 50 या 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो यू नो. सो इसको होल्ड करना है ओके जब तक तुम लोग होल्ड कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ. ओके ये एक्सरसाइज तुम लोग का स्ट्रेंथ डेवलप करने में यूज़ होगा, तुम लोग का कोर डेवलप करने में यूज़ होगा, तुम लोग का शोल्डर स्ट्रांग हो जाएगा. एक्चुअली ये थ्रू आउट बॉडी एक्सरसाइज है. ओके सो या जस्ट होल्ड इट फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स जितना भी तुम लोग कर सकते हो. ओके लेट्स गो. तो या ऐसे तुम लोग अपने बॉडी को हेल्प कर सकते हो यू नो. घर पे बैठे बैठे थोड़ा स्वेट कर सकते हो और सेम टाइम पे तुम लोग का बॉडी कंडीशन हो सकता है. सो भाई लोग ये मेरा तरीका था कि मैं अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ लॉकडाउन में. बाकी तुम लोग को इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया था कि ये एक्सरसाइज तुम लोग हफ्ते में 4 से 5 बार कर सकते हो. आई थिंक ये 6 एक्सरसाइज का तुम लोग 3 रेप कर सकते हो. आई थिंक दैट इज नॉट सो मच. बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 रेप तो कर ही सकते अपन, क्या बनता है. आई होप तुम लोग को ये वीडियो यूजफुल हो और तुम लोग भी अप्लाई करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुम लोग को ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं. तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या ट्यूटोरियल दूँ. लाइक करो, तुम लोग के दोस्त लोग ये बनता है जिन लोगों को हेल्प चाहिए ये सारी चीज़ों में या फिर अपने बॉडी को फिट रखने में या फिर ब्रेकिंग सीखने में. फिर तुम लोग बनता है ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्त लोग के साथ. क्या फटफट अपन मचाते रहेंगे भाई और तुम लोग को नचाते रहेंगे, क्या सीन है. फिर लाइक करो फटफट फटफट. हाँ तू भी हाँ वो पीछे वाले को बोला उसको बोल लाइक करने. हाँ बस और क्या बनता है. चलो.